करते हैं टीकमगढ़ के छतरपुर की। छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पर महंत ने लगाया मारपीट का आरोप। अभद्रा करने का आरोप पुलिस ने 3 लोगों पर किया मामला दर्ज। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जिले की बेहतरपुर की खदानी जो छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी जी की बताई जा रही है, उसको लेकर बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। देहात थाना पुलिस ने छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी सहित अन्य लोगों पर फरियाद दर्ज की है। धजरई तिगवा स्थित त्रिदेव मंदिर के महंत सीताराम दास ने बताया कि बैतपुर जंगल के पेड़ काटकर वहां खदान लगाई जा रही है, जिसे रोकने के लिए अपने भक्तों के साथ वो वहां गए थे। इसी बात को लेकर छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी अपने 100-150 साथियों के साथ मंदिर परिसर में आए और मारपीट करने लगे। जब गाँव के लोग इकट्ठा हो गए तो वहाँ से भाग गए। इस मामले की देहात थाने में राजेंद्र शुक्ला उर्फ रामभजन दास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी आलोक चतुर्वेदी, अनीस खान, अन्य के खिलाफ धारा 323, 147, 149, 452 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इसके पूर्व दोपहर के बाद महंत सीताराम दास अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धजरई तिगेला पर चक्का जाम कर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जब तक पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन जेल नहीं जाएंगे तब तक वो उठेंगे नहीं। इधर पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि हमारी कंपनी खजुराहो मिनरल्स के नाम से बैतपुर खदान शासन के स्वीकृत हुई है, जिसकी प्राथमिक कार्यवाही चल रही है। इसी बीच महंत सीताराम दास अपने साथियों के साथ खदान पर गए थे और वहां तोड़फोड़ करने लगे, जिसकी सूचना पर जब वहां पहुंचे तो महंत जी जा चुके थे। इसलिए मैं बातचीत करने मंदिर पहुंचा तो महंत जी बात करने को तैयार नहीं थे और सीधे अपनी लाठी से हम लोगों पर वार करने लगे, अभद्रा करने लगे। विवाद बढ़ते देख हम लोगों वहां से चले गए। उन्होंने कहा, इसमें राजनीतिक चेहरे में जो भी पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। बहरहाल मामला ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, पर जो भी प्रशासन और पुलिस के पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए। इधर कुछ तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जो घटना की सच्चाई बयान कर रही है। नहीं करना। जाओ, तुम कांग्रेसी नेता सारे यहाँ हमें दोबारा आए हो, जाओ यहाँ से। तुमने अब तारा तोड़ दिए, अच्छी भाषा तोड़े। अरे सुनो, ऐसी भाषा करो आप, नहीं करना। हाथ नहीं दिखा रहे, बाहर तोड़ देंगे। अखाड़े के महात्मा है समझे। हाँ, राम जी को काल्पनिक बताया तुम लोगों ने, समझे? सेतु राम सेतु काल्पनिक बताया, यहाँ में मार रहे हो बाबा जी को। अरे यार, तुमसे बात कर रहे हैं तुम भैया, यार करके नहीं, महात्मा के ठीक से बात करना। तो हाँ, हो गए तुम करोड़पति। तो तुमसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बात हो गए करोड़पति अपने लिए। मेरे लिए नहीं है, तुमसे भिक्षा मांग लिया। नहीं करनी बात, कोई बात नहीं होगी। नहीं करने माल ला के शुद्ध करते हम, समझा के नहीं। आओ, किसके दर है जिसके इसके अंदर है, कौन लड़ने आया बताओ? लड़ने की यहाँ कौन आए हो? लड़ने आदमी लगा के आए हो? कमरे में घुस गए तुम मेरे, चार मेरे कमरे में घुस गए। चार गाड़ियाँ लेके आप गए थे वहाँ पे, तो भैया हमारे साथ भी चार आदमी अगर आए हैं तो उसमें क्या? हम गए थे अपनी जमीन में, मेरी लोकतंत्र में मेरा प्यार है, उसमें मेरी जमीन है। वो तुमसे नेतागिरी की बात करने नहीं आया, नेतागिरी बात करने नहीं आया तो कहाँ में लेके आए फौज? कहाँ मेरे कमरे में घुस गए तुम? हम तुम्हें तलाश रहे थे कि सीताराम को तलाश रहे थे। मैं कोई चोर चोर होगा? तो ऐसे ही तो तुम्हें अगर कोई बात करनी थी तो हमसे करते। क्यों करते तुमसे बात? हम अपने लोकतंत्र के तरीके से गए हम। महाराज जी, क्या तुमसे बात करने? सुनो महाराज जी, तुम क्या समझे हमें मारोगे? नहीं भैया, तुम क्या समझे हमें मारोगे? बाबा नहीं है, सुनो, राम जन्मभूमि का मुकदमा मैंने लड़ा है, सुन लो। चलो चलो, अरे चलो, इन्हें समझ में आ गई, इन्हें भाव पूरे चढ़े हैं। चलो चलो, चढ़े हैं, चढ़े हैं, जाओ चलो तुम लोग, जाओ बिगाड़ लेना जो बिगाड़ कुछ कोई भी बिगाड़। आप नहीं बिगाड़, आप नहीं रुकेंगे, सुन लो। अब तो ये ऐसा बड़ा मुद्दा बनेगा कि बच्चन भैया आपको भी नानी याद आ जाएगी। हम कह रहे हैं आप ऐसे वैसे बाबा नहीं, ये बाबा गला कटाने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अरे तुम जाओ तो यार, तुम लोग जाओ, कर लेना।
ऐसे वैसे बाबा से नहीं भिड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा है देखो, इधर खड़ो, इधर से बना, हम तुम्हारे बगल में बैठ जाए, तुमको बना लो। बैठने लायक नहीं हो, साधु के बगल में नहीं बैठ सकते ना, नहीं बैठ सकते बगल में, सामने बैठो। चलो देख लिया भैया, गांव वालों तमाशा देख लिया, तमाशा देखते गांव वाले से। बाबा जी हमके जय है करम। हाँ ए कैसे कर रहा है, बंधुओं विश्व की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण, केवल देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण। और हम पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को, गंगा गायत्री बचाने के लिए, हमारा जो साधुओं कर्तव्य है उसको करने के लिए मैं गया था जंगल बचाने के लिए। वहाँ से आया और मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तब तक अर्जुन चतुर्वेदी जी 100-150 लोगों को लेकर के मेरे ऊपर आक्रमण करने आए, मुझे मारा पीटा। सनातन धर्म का और भारत देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। देखिए विवाद कुछ नहीं है। आज मेरे पास सुबह के समय पे एक जानकारी आई कि वेदपुर खदान जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंजूर की गई है, उस पर जो प्राथमिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो चल रही थी, वहाँ जो पर्यावरण से संबंधित जो कार्यवाही होती हैं वो सब चल रही थी, वहाँ जो फेंसिंग वगैरह थी, ये कुछ सीताराम दास जी जाके वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, खम्भों की वहाँ। और ये जानकारी जब लगी, आदमी वहाँ पर जो हमारा था उसने हमें सूचना दी, तो कहा कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में काफ़ी लोग आए हैं और ये यहाँ पर खम्भे तोड़ रहे हैं, तार वगैरह निकाल रहे हैं। कहा ठीक है, चलो क्या बात है, क्या विवाद है, बात करने को तैयार नहीं थे। तो कहा हम लोग छतरपुर से निकल के आए कि इनसे बात की जाए। तब तक ये सूचना मिली कि जो गए थे महंत जी, ये सीताराम दास जी, ये वापस आ गए हैं। तो कहा चलो इनसे मंदिर पे बात कर ली जाए, ये यहाँ मिलेंगे, इनसे यहाँ बात कर ली जाए। उनसे बात करने के लिए मंदिर पहुँचे, मंदिर में सीताराम जी को बुलाया, बैठ के बात करने की बात कही, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने वीडियो चालू करके एकदम से जो अभद्रता की है, बात मुझे बात नहीं करना, और जिस तरह से वो खुद मेरे साथियों के साथ में लिपटा लिपटी की है, डंडे को फटकार के डंडा चलाने का, और डंडे की जो उन्होंने कार्रवाई की वो एक रचित हुई, पूरी की पूरी रची हुई रचना दिख रही थी कि इसमें कुछ लोग इनके साथ पीछे से लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो चेहरे भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि कौन से चेहरे हैं जो राजनीति का रंग दे रहे हैं, राजनीति का रूप उसको दे रहे हैं। ये खदानें तो होती हैं, ये खदान स्वीकृत हमारी कंपनी खजुराहो मिनरल्स को हुई है, उस खदान में जो शासन की प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा, काम किया जा रहा है। लेकिन जो सीताराम दास जी हैं उन्होंने अब बड़ी अभद्रता की है, और अभद्रता के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, वो जिला प्रशासन को उसमें अपनी शिकायत करें, वो जहाँ जिस लेवल पे उन्हें शिकायत करनी चाहिए वहाँ शिकायत करें और उसके निदान कराएं। उसमें वीडियो में दिखाया कि महाराज जी डंडा लेके आ गए, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे। हाँ हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप पूरा वीडियो देख लें, आप जहाँ भी उसको देखना चाहें जिस तरह से उसको देख लें। हम तो उनके साथ में बात करने गए थे, ना कि उनसे विवाद करने गए थे। विवाद उन्होंने स्वयं वहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया कि विवाद की स्थिति बने। जब विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की और ये समझ में आ गया, मैं वहां से निकल आया, चला आया कि ये जानबूझ के यहाँ विवाद को करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। और इसकी जो भी जानकारी होगी मैं प्रशासन को दूंगा।